अच्छा, ऐसे ही एक और बीमारी है जो भारत में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और वो है ओबेसिटी, मोटापा। हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई भारत की तो डाइट ही ऐसी है, हमारे खाने में फैट और कार्ब्स इतना ज्यादा है, हमें मीठा खाने की इतनी आदत है कि भाई मोटापे से छुटकारा कैसे मिलेगा। विशाल जी, क्या प्रॉब्लम हमारे खाने में वाकई है? बिल्कुल है विशाल जी, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। हम खूब खाते हैं, खाइए भाई, लेकिन वर्कआउट 99% लोग जो हैं आज फिजिकल वर्कआउट नहीं करते। और आप देखिए ना, जो लोग वर्कआउट करते हैं उन्हें कहाँ मोटे हैं वो, उन जिन लोगों का खाना पीना ठीक है और जिन लोगों की जीवन शैली ठीक है वो कहाँ मोटे हैं। हाँ, देयर आर कंडीशंस, लेकिन वो कंडीशन कितनी है, 5-4% कोई बीमारी आपको ऐसी है जिसमें आप मोटे हो रहे हो, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई आपको मोटा कर रही है। इवन इफ यू आर जेनेटिकली हैव दैट जीन फॉर ओबेसिटी, लेकिन आपका खाना पीना ठीक है, आपकी जीवन शैली ठीक है, तो भी आप अपने को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो कंडीशंस बहुत कम है जहाँ पे आपको एक्सक्यूजेस जो है वो कम से कम मैं एक्सेप्ट करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं, बड़ा सिंपल खाना खाते हैं, फिर भी वजन नहीं घट रहा। नहीं, सिंपल से मतलब 8 रोटी नहीं होती ना। मैं कह रहा हूँ 16 रोटी खाइए ना, कौन मना कर रहा है। हमारे बड़े भी तो खाते थे, लेकिन सुबह निकल के फिर खेत में काम करते थे, फिर अपना दौड़ लगाते थे, वजन उठा करके चलते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, सब कुछ तो करते थे अपने आप से। लेकिन आज हम इस मशीनीकरण के युग में जहाँ पे आप ऑफिस से, बॉस जो है ऑफिस से बाहर जब निकलता है और उसकी गाड़ी मुश्किल से 50 कदम पे खड़ी होती है, वो पहले फ़ोन करता है अंदर से, ड्राइवर से गाड़ी लगाओ, मतलब उसका मन ये होता है कि हो सके तो उसके चैम्बर तक ही गाड़ी आ जाए। तो ऐसे में फिर पतला होना मतलब दीवा सौंपने के जैसा है। तो एंड देयर इज नो मैजिक रेमेडी, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग पागल बना रहे हैं और बहुत सारे लोग पागल बन रहे हैं। आप अगर खाना पीना छोड़ करके पतले होते हैं तो भी समझदारी नहीं है, आप बहुत सारी दूसरी बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। आपको ट्यूमर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको हेडेक रहना शुरू हो जाएगा, आपको डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। तो डाइटिंग इज ऑल्सो नॉट ए वेरी गुड वे, द आइडियल वे टू रिड्यूस वेट। मोटा मोटा ये कि आपको सिंपल खाना खाना है एंड फिजिकल वर्कआउट को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, देन ओनली यू विल गेट इट फ्रॉम दिस ऑबेसिटी। आपने मेरी बात का जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर भी ये, क्योंकि सवाल बहुत सारे लोगों का है और बहुत सारे लोग पतले होने के लिए तरह तरह की दवाएं या सप्लीमेंट ले रहे हैं और वो ये मानते हैं कि इस तरह की दवाएं लेने से वो पतले हो जाएंगे। देखिए विशाल जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि यस, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो उसको एनहांस करने के लिए हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन आप अगर कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो खा करके आपको लूज मोशंस हो रहे हैं एंड आपका वेट कम हो रहा है, वो सब सही तरीका नहीं है। मैं फिर कहता हूं, जितना नेचुरल वे में आप डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे, क्योर करेंगे, उतना आप फायदे में रहेंगे। तुरंत कुछ नहीं होगा, आप ओवरनाइट चाहें कि दवाई खा करके दस्त लगवा करके आप पतला हो जाएं, वो तो सही तरीका नहीं है। नंबर दो, आप डाइट को बिल्कुल ख़त्म करके, जी मैं तो सारा दिन आपको जो है ये फ्रूट्स खाता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। आपको पूरी डाइट भी लेनी चाहिए, और डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों चीज़ें आपको जो है इंक्लूड करनी है, लेकिन फिजिकल वर्कआउट साथ में करना है, और फिर सीजन के हिसाब से खाना खाना भी आपको सीखना होगा। तो इनको ध्यान में रखेंगे तो ओबेसिटी मुझे लगता है कि आपको परेशान नहीं।